प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पर्चा भरने से पहले सोमवार को रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री काशी कोतवाल से इजाजत लेने के बाद मंगलवार को अपना नामांकन भरेंगे और ये रोड शो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह गेट से शुरू होकर काशी विश्वनाथ मंदिर पर खत्म होगा। रोड शो करीब 5 किलोमीटर का होगा। तो कैसी है इस रोड शो को लेकर तैयारियां, ये जायजा लिया है बंसल न्यूज के विशेष संवाददाता आलोक राय ने। समय हम वाराणसी में हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है उम्मीदवार हैं बीजेपी से, और जाहिर सी बात है इसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस समय हम लंका चौराहे पर हैं, सामने बीएचयू गेट आप देख सकते हैं। कल 13 तारीख को प्रधानमंत्री का रोड शो होना है, जिसके लिए जो है यहां पर जो है रिहर्सल किया जा रहा है, तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का पूरा रोड शो का काफिला होगा, जो गाड़ियां चलेंगी वो गाड़ियां यहां पर आ गई हैं, और इसलिए बाकायदा जो है फ्लीट यह निकाली जा रही है, एक रिहर्सल किया जा रहा है ताकि तैयारियां पूरी रहें, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और इसके लिए तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं वो लगातार यहां पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं कि किस तरह से गाड़ियां जो है लगातार मूव कर रही हैं और तैयारियों को जो है परखा जा रहा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और ये जो जानकारी सामने आ रही कि करीब 5 से 6 बजे के बीच ये रोड शो शुरू हो जाएगा और लगभग 2 किलोमीटर तक चलेगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और अगले दिन यानी 14 मई को नॉमिनेशन करेंगे, सुबह दर्शन करेंगे 14 मई को, इसके बाद वो जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद एक बैठक करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी नॉमिनेशन करते हैं तो उससे पहले एक रोड शो जरूर करते हैं। 2014 में भी उन्होंने वाराणसी से नॉमिनेशन से पहले एक रोड शो किया था जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बाद 2019 में भी उन्होंने रोड शो किया था नॉमिनेशन से पहले, और अब 2024 में भी वो नॉमिनेशन से पहले यानी 14 मई को नॉमिनेशन करेंगे और 13 मई को यानी कल वो रोड शो करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे, वाराणसी के साथ साथ तमाम जगहों से लोग आएंगे। और ये आप देखिए कि जो गाड़ी है जिस पर प्रधानमंत्री बैठेंगे रोड शो में, जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, वो भी यहां पर है। इसके अलावा जो है तमाम जो गाड़ियां उनके रोड शो में साथ साथ चलेंगी वो भी यहां पर हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी है, क्योंकि निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से उम्मीदवार हैं और वो तीसरी बार यहां से नॉमिनेशन करने कल आ रहे हैं, जिसके लिए पूरी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। वाराणसी के लंका चौराहे से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देखिए आलोक राय विशेष संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं। आलोक जी आप वहां पर मौजूद हैं, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होने वाला है तो यहां पर बेहद ही खास तैयारियां होंगी। आप तस्वीरें भी दिखाइए और लोग भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए कि आखिर कौन सी लहर में ये लोग डूबे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, मैं बनारस में हूँ, काशी या वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और मैं एक चीज बता दूं कि प्रधानमंत्री जब भी नामांकन करते हैं नरेंद्र मोदी उससे पहले रोड शो करते हैं, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का हो या फिर 2024 का हो। कल वो रोड शो करेंगे 13 तारीख को, 14 को उनका नॉमिनेशन है, तो 13 तारीख की जो है वो तैयारियां पूरी हैं वाराणसी में। और इस समय हम गोदौलिया चौराहा है, यहाँ बगल में दशाश्वमेध घाट है जहां पर गंगा आरती होती है, सामने 80 घाट है और पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो कल प्रधानमंत्री शाम को तकरीबन 6 बजे अपना रोड शो शुरू करेंगे लंका जो पर लंका चौराहे पर जो बीएचयू गेट है वहां पर मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे, और इसके बाद उनका रोड शो शुरू होगा और तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रास्ता होगा रोड शो का, जो काशी विश्वनाथ धाम तक चलेगा। और रास्ते भर तमाम पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर तमाम संस्कृतियां, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, वो दिखाई जाएंगी, तमाम स्टेज बने हैं, क्योंकि वाराणसी को मिनी इंडिया यानी लघु भारत भी कहा जाता है। और इस समय आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरों में दिखाएं कि कितनी भारी भीड़ है, हुजूम है लोगों का, सामान्यतः इतनी भीड़ यहाँ नहीं होती है, लेकिन आज रविवार भी है, कल प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन भी है, तो तमाम लोग यहाँ पर है। कई लोग हमसे मिले जो गुजरात से भी आए हुए हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री का रोड शो हो, तमाम यहाँ पर युवा साथी हैं जो हरियाणा से आए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी है और इसको जो है फुल प्रूफ बनाने के लिए, तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल वाराणसी में थे, उन्होंने बैठक की, संगठन के साथ बैठक की। और मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री सुबह नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे, काल भैरव का दर्शन करेंगे 80 घाट। चलिए आलोक जी, बिल्कुल आप तस्वीरों पर नजर रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, इसीलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। वाराणसी में पर्चा भरने से पहले काशी पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तमाम